उत्तर प्रदेश और हरियाणा से विधायक रह चुके करतार सिंह बडाना बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली में पार्टी के मुख्यालय में सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान करतार सिंह बडाना ने बीजेपी में शामिल होने की वजह भी बताई। तो मैं अपने मीडिया के भाइयों से, मेरी पार्टी के सीनियर नेता सभी को मैं प्रणाम करते हुए, बड़ों को पैर छू के और छोटों को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए मैं आभारी हूं आज कि मुझे इस लायक कि इतनी बड़ी हमारी पार्टी में मुझे काम करने के लिए मौका दिया है। मैं सदाई, ये नहीं कि मैं कोई आज नया, क्योंकि बुद्धिजीवी हैं, उनके आगे ज्यादा कोई बात करना कहना, मैं तो इतना ही कहूंगा कि बुद्धिजीवी भाइयों से कि मेरा एक लक्ष्य है कि मैं ये जनता की सेवा कर सकूं। और बीजेपी में मैं पहली बार नहीं, मैं पहले बीजेपी में था, कई भाई मेरे से कहेंगे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां रही कि मेरी सेवा की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैं जाना पड़ा। लेकिन अब क्योंकि प्रधानमंत्री जी की नीतियों में, अध्यक्ष जी की नीतियों में ही नहीं, इस देश को पूरा विश्वास है कि इस देश को अगर बचाया है तो प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किए हैं वो छुपे हुए नहीं है। भारत का बच्चा बच्चा इस बात के लिए तैयार है। कई भाई कहते हैं कि विकास कम हुए हैं, ये तो सारा देश जानता है कि ये हिंदुस्तान विकास चाहे कम रहे रह सकता है, लेकिन देश का सम्मान ना बचे तो ये नहीं रह सकता है। इस देश के सम्मान बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने रात को रात और दिन को दिन नहीं समझा है और इसके सम्मान को बचाया है, इस देश को बचाया है। और हम भी बस देश की सेवा करने के लिए, क्योंकि देश होगा तो सेवा कर सकेंगे, अगर देश ही ना रहता तो कहां से सेवा करते। तो ये सेवा करने का मौका दिया है। बता दें, इसी साल लोकसभा चुनाव से पहले करतार सिंह बडाना बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए थे और पार्टी ने उन्हें मध्य प्रदेश की शिवपुर मुरैना से उम्मीदवार भी बनाया था। इतना ही नहीं, करतार समाजवादी पार्टी से भी चुनाव लड़ चुके हैं। करतार चार बार सांसद और हरियाणा में मंत्री रह चुके अवतार सिंह बडाना के भाई हैं। करतार ने मुरैना सीट से नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ पिछला लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, जहां उन्हें हार मिली थी। यही नहीं, करतार 1996 और साल 2000 में हरियाणा का समलखा विधानसभा क्षेत्र से भी विधायक रहे। करतार 1996 में हरियाणा विकास पार्टी और फिर 2000 में इंडियन नेशनल लोकदल से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। नवोदय टाइम्स ब्यूरो की रिपोर्ट।